दोस्तों आप सबको तो MX प्लेयर के बारे में पता ही होगा, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में अगर MX प्लेयर नहीं है तो फिर वीडियो देखने का मज़ा ही नहीं आता है। तो MX प्लेयर बहुत ही पॉपुलर ऐप है। इसमें बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वीडियो देखने के लिए, और इसमें बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन अच्छा होगा अगर आप अपना MX प्लेयर को अपडेट कर दें। अगर आपका अपडेटेड वर्सन है तो ठीक है, अगर अपडेटेड वर्सन नहीं है आपके पास तो आप प्ले स्टोर से उसे अपडेट कर दीजिए। सबसे पहला फीचर हम जो बात करेंगे, डबल टैप से प्ले होगा और पॉज होगा। हम लोग ऐसे प्ले पॉज करने के लिए, जैसे कि हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, जैसे ये मेरा एक वीडियो है, मैं इसे प्ले करता हूँ। तो ये जो वीडियो है आप इसको देख रहे हैं, अगर आपको इसको पॉज करना है तो हम लोग ऐसे पॉज करते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, ये पॉज हो जाता है। फिर से प्ले करना रहता है तो फिर से इस पर क्लिक करते हैं, ये प्ले हो जाता है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक, उससे क्या होगा, आप इस स्क्रीन पर डबल टैप करोगे, ये पॉज हो जाएगा और डबल टैप से प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि कोई वीडियो चल रहा होता है, कोई भी वीडियो को आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने इस तरह से, अगर यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ ऑप्शंस में, तो ये काम नहीं करेगा। आपको वीडियो ओपन कर लेना है। वीडियो ओपन कर लेने के बाद हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीन डॉट दिख रही है, ये है ऑप्शंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिख रहा है, कंट्रोल्स पर क्लिक कीजिए। कंट्रोल्स पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ आप नीचे इसको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखिए डबल टैप से प्ले और पॉज है, तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम बैक चलते हैं। अब देखिए मैंने स्क्रीन पर डबल टैप किया, मेरा वीडियो प्ले हो गया, डबल टैप से पॉज हो गया। अब इसके बाद जो है वो है किड्स लॉक प्लस टच मोड। ये किड्स लॉक और टच मोड क्या होता है, तो इसके लिए भी आपको सेम वैसा ही करना होगा। कोई वीडियो को प्ले करके रखना है, प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे जाने के बाद डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जैसे आप जाते हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल्स में, यहाँ कंट्रोल दिख रहा है, इस कंट्रोल्स के अंदर आपको यहाँ ऊपर में देखिए लॉक मोड बना हुआ है, यहाँ पे लॉक मोड है। लॉक मोड में ये लॉक है सिर्फ, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे और भी दो फीचर्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि जिसमें से एक है किड्स लॉक है, एक और एक है किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम बैक चलते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि कोई बच्चा आपका वीडियो देख रहा है, तो उस दौरान आपको अपने फ़ोन को वीडियो प्ले कर दीजिए। प्ले करने के बाद यहाँ जो आपको साइड में जो लॉक का बटन दिख रहा है, इस लॉक को लॉक कर देते हैं हम वीडियो को। जब कोई बच्चा आपका स्क्रीन को टच करेगा, क्योंकि बच्चों की तो आदत होती है स्क्रीन को टच करने की, तो वैसे में आपको देखिए कुछ इस तरह से ये सब दिखेंगे। तो बच्चे जब जब जहाँ जहाँ टच करेंगे वो इस तरह से यहाँ पे आते रहेंगे, देख रहे हैं ना, बहुत मज़ेदार है ये। अब इसको इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप इसको अनलॉक कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ जहाँ भी टच करने से तो ये सब यही सब आ रहा है, ये सब बटरफ्लाई वगैरह ये सब। तो अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले इस कॉर्नर में, एक कॉर्नर में टच कीजिए, फिर एक कॉर्नर में, फिर तीसरे कॉर्नर में, अब ये फाइनली यहाँ टच कीजिए, आपका ये अनलॉक हो जाएगा। फिर से आपको अगर लॉक करना है तो लॉक बटन मैंने दबा दिया, अगर फिर से ये देखिए ये सब आ गए, फिर आपको अनलॉक करना है तो फिर इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में और इस कोने में, अब आपका हो गया अनलॉक। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ है जो हमें नहीं पता थी। अब हम क्या करेंगे, डबल टैप से बैक कैसे होगा। डबल टैप से जैसे कि हम वीडियो कोई देख रहे हैं, कोई भी वीडियो प्ले हो रहा है, यहाँ पे ये जो आपका बैक बटन है, जो स्क्रीन पर है बटन, तीन बटन होते हैं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर जो बैक बटन है, इस पर एक बार हाथ लगते ही ये बैक हो जाता है। तो हमें कई बार इसमें प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि फ़ोन को हम एक जगह से दूसरे जगह को ले जाते हैं, उस दौरान पता चला कि हमारा हाथ बैक बटन में लग गया और ये बैक हो गया वीडियो जो हमारा चल रहा था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अब हमें वीडियो प्ले नहीं करनी है, वीडियो को बिना प्ले किए आपको यहाँ पे तीन डॉट दिख रही है ऑप्शंस, इस पर जाइए। अभी देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट है मेरा वीडियो का, वीडियो प्ले नहीं है, वीडियो प्ले होने से वो दूसरे सेटिंग में चला जाएगा, और ये बिना वीडियो का, वीडियो प्ले नहीं, सिर्फ वीडियो का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा। अब ऑप्शंस में जाना है, जाने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको प्लेयर में जाना है। तो प्लेयर में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन हल्का सा कीजिए, यहाँ पे देखिए डबल टैप द बैक बटन, तो आपको इसको मार्क कर देना है। मार्क करके अब हम बैक चलते हैं। जैसे बैक चलते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद अगर मैं यहाँ से बैक बटन को एक बार दबाता हूँ तो ये नहीं होगा, यहाँ पर आ रहा प्रेस द बैक बटन अगेन, तो यहाँ पर दो बार मैं इसको प्रेस करूँगा तब ये बैक हो पाएगा।
अब अगला जो हमारा फीचर है वो है किसी फोल्डर को कैसे हाइड करें। तो कोई भी फोल्डर को हाइड करने के लिए आपको जिस फोल्डर को हाइड करना है उस फोल्डर को लॉन्ग प्रेस करके रखिए, वो फोल्डर आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे जाने के बाद हाइड दिख रहा, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड तो करना बहुत ईजी था, लेकिन मैं इससे अनहाइड कैसे करूँगा, वो फोल्डर मेरे लिस्ट में फिर से कैसे आएगा, उसको लाने के लिए आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, जैसे मेरा फोल्डर अगली फोल्डर जो उसके नीचे फोल्डर थी वो हाइड होने के बाद ये फोल्डर सिलेक्ट हो गया है। तो इस फोल्डर को सिलेक्ट रहने से हम वहां पे नहीं जा सकते ऑप्शंस पे, तो इसको डिसलेक्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि देखिए अभी ये सिलेक्ट है, मैं यहां ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं तो सेटिंग्स मेरे नहीं आ रहा है। तो इससे डिसलेक्ट करने के लिए यहां बैक बटन को मैं एक बार दबाता हूं, ये डिसलेक्ट हो गया है। अब हम इस पर जाते हैं, ऑप्शंस पे जाने के बाद सेटिंग मेरा यहां शो कर रहा है, तो सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है लिस्ट में, लिस्ट पे आप जैसे जाते हो स्क्रॉल डाउन हल्का सा कीजिए, यहां पे फोल्डर्स दिख रहा है, फोल्डर्स में जाइए। आप देख सकते सबसे नीचे वाला जो फोल्डर है वो है मेरा वीडियो का, तो यहां मैं मार्क करके इसे शो कर देता हूं। तो मैंने शो कर दिया, अब आप आके देख सकते हैं यहाँ लिस्ट में वो फोल्डर मेरा आ जाएगा। देखिए हाँ, एक वीडियो जिसमें यह है फोल्डर वो आ चुका है। ये तो हो गया फोल्डर हाइड का, लेकिन अभी फाइल हाइड कैसे होगा। जैसे कि फोल्डर के अंदर कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे वीडियोस होने के बावजूद मैं यहाँ पे एक वीडियो को मुझे सिर्फ हाइड करना है, तो वो कैसे होगा। बाहर से अगर मैं फोल्डर को करता हूँ तो उस फोल्डर के सारे वीडियो सारे फाइल्स हाइड हो जाएंगे, लेकिन मैं मुझे सिर्फ एक वीडियो को इसको हाइड करनी है। तो जिस वीडियो को आपको हाइड करना है उस वीडियो को लॉन्ग प्रेस करके रखो। लॉन्ग प्रेस करके रखने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम का आइकॉन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ये सारे उसका नाम जो फाइल का आ चुका है, लेकिन आपको सबसे स्टार्ट में जाना है। सबसे स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक डॉट लगा देना है आपको, अब आप ओके कर दो, ये आपको फाइल हाइड हो चुका है। अब इस फाइल को हम लाएं कैसे, उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद लिस्ट में जाइए, लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे शो हिडन फाइल्स इन फोल्डर्स, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं बैक चलता हूँ, बैक जाने के बाद यहाँ मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिखने लगा। अगर नहीं दिखता आपका तो आप इसको जरा सा रिफ्रेश कर दीजिए, उससे आपका वीडियो शो होने लगेगा। अब हम इस वीडियो को सिलेक्ट करके इसको रीनेम में ये जो था वो कर देते हैं, इसका जो डॉट हमने दिया था उस डॉट को हम हटा देते हैं। तो अभी तो ये मेरा डॉट हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँगा अगेन यही सारी चीज़ करने के लिए, इसको डॉट लगा के फिर से हाइड करने के लिए, तो ये नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक डॉट दिया, डॉट देने से ये हाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ सेटिंग के अंदर से जाके लिस्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो इससे हमने मार्क किया हुआ है। इसको यहाँ से हटा दो, आपका फिर से यहाँ से दिखने लग जाएगा आपको। तो अब हम इसे फिर से लाते हैं, सेटिंग्स, लिस्ट, लिस्ट में शो हिडन फाइल्स, यह हमारा वीडियो आ चुका है। अब लास्ट ट्रिक हमारा क्या है कि एमएक्स प्लेयर तो वीडियो प्लेयर है, लेकिन इसको ऑडियो प्लेयर के तौर पर कैसे यूज करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो तीन डॉट बनी हुई है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑडियो को सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए यूज एज ऑडियो प्लेयर है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके फोन में जितने सारे ऑडियोज है, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो तो आपके सारे जो ऑडियोज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब कर लेने से मेरे जो भी अगले वीडियोस आने वाले हैं वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मेल पे आते रहेंगे, या फिर आप अगर चाहते हैं फ़ोन पे नोटिफिकेशन आपके आए तो आप वो जो बेल का आइकॉन है सब्सक्राइब बटन के साइड में, उस बेल का आइकॉन को आप प्रेस कर दें, वहाँ से आपके फ़ोन पे सारे नोटिफिकेशन मेरे अपलोड के आते रहेंगे। तो आज मैं चलता हूँ, कल शाम को, कल रात को फिर 8 बजे एक और नई टेक नई वीडियो के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।